गाइस गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो है मेरी सबवे की जॉब की। इज़ इट डिफ़िकल्ट, इज़ इट हार्ड, कैसी होती है यूके में सबवे की जॉब, गर्ल्स के लिए इजी है और डिफ़िकल्ट है, क्या वर्क होता है। बेसिकली अभी बजे हैं सुबह के 5:30, आज है सैटरडे और मौसम भी काफ़ी ठंडा है यहाँ पर। ऑब्वियसली आज एक्चुअली में मेरी ओपनिंग की शिफ्ट है सबवे में, मैं जाके ओपनिंग करूँगी सबवे में। आज सैटरडे है तो बसेस थोड़ी स्लो है, इसलिए मैंने कैब बुक करी है। सो आई एम वेटिंग फॉर माई कैब एंड मेरी कैब है 1 मिनट फार फ्रॉम मी। सो 1 मिनट की और वेट है, देन पहुँच जाएगी मेरी गाड़ी। ड्राइवर तो आ गया है, अभी चलेंगे बाहर। ड्रॉप मी एट सबवे, दैट सबवे। या तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ, ओपन होने की वेट कर रही हूँ। जो अभी सब कुछ ओपन करना है, 1/2 hour है मेरे पास ओपन करने के लिए। एक्चुअली हर किसी को एक पासवर्ड मिला होता है, उस पासवर्ड से लॉग इन करके आपको डील ओपन करनी होती है। न्यू डील मनी काउंट होती है, ब्रेड्स काउंट होते हैं, सैलेड वगैरह जितना भी होता है वो सब इसमें मेंशन करना होता है टेबल में, फिर ये ओपन करके प्रिंट करके रखना होता है। एंड इसके बाद होता है जो काउंटर है उसे रेडी करना होता है। जो चीज़ नई बनानी होती है उनके होते हैं स्लिप्स निकालनी यहाँ से। सबवे में बेसिकली पेपर वर्क भी होता है, जिसमें क्लीनिंग का होता है, जो चीज़ें आप फोन करते हो कौन सी चीज़ ख़राब है वो सब बताना होता है, और उसके साथ टेम्परेचर्स के भी पेपर होते हैं, हर चीज़ का टेम्परेचर नोट करना होता है। जो नाइट स्टाफ होता है वो ब्रेड्स निकाल के जाता है मॉर्निंग स्टाफ के लिए, बेकिंग के लिए, डीपोज होने के लिए, और मॉर्निंग स्टाफ आके ब्रेड्स को बेक करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स होते हैं ये, तो सिंपल होते हैं और कुछ के साथ टॉपिंग्स होती हैं, ये टॉपिंग वाले ब्रेड्स हैं। मशीन को करना होता है ऑन ताकि रेडी हो जाए मशीन ब्रेड्स के लिए, बिकॉज प्री हीटिंग के लिए टाइम लगता है। देन ब्रेड्स को लगाते हैं हम मशीन में सेट होने के लिए, उसके बाद बेकिंग के लिए लगाएंगे। दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली मशीन के, तो पहले फर्स्ट में लगाएंगे सेट होने के लिए, देन उसके बाद बेकिंग की जाएगी इनकी। ये 60 मिनट का टाइम होता है सेट होने के लिए, एंड कुछ 12 मिनट होते हैं बेकिंग के लिए। ये सेट हो चुके हैं, लेकिन इस टॉपिंग पे चीज़ लगानी है, बिकॉज जो चीज़ की टॉपिंग है, तो चीज़ लगाने के बाद फिर इसको डालेंगे बेक होने के लिए। बेकिंग रेडी है, अभी बेक ऑन करेंगे। सुबह के 8 और ये है ब्रेकफास्ट टाइम, इंडियन स्टाइल की टी एंड सैंडविच। इसके अलावा करनी होती है कुकीज़ बेक, उसके लिए पहले ट्रे सेट करनी होती है, ट्रे सेटिंग करनी है। अभी ट्रे सेट करने के बाद फिर कुकीज़ को सेट करेंगे ट्रेज में, ये होता है फ्रोज़न में पड़ी होती है वैसे फ्रोज़न फ्रूट्स में कुकीज़, उनको निकाल के आपको ट्रेज में सेट करके
बेक करने के लिए रखना होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ कुकीज़ होती हैं सबवे में, 3 से 4 टाइप्स की होती हैं, ऑल टाइप्स की बेक करनी होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की कुकीज़ को सेट करने के बाद बेक करेंगे। एक्चुअली सबवे स्टाफ को फ्रंट एंड बेक एंड दोनों पे ही काम करना पड़ता है। इन केस अगर कोई कस्टमर आता है तो वो भी आपको रिसीव करना पड़ेगा, और साथ में साथ ही ये सब लंच टाइम तक रेडी भी होना चाहिए। तो काफ़ी काम होता है, बिकॉज समटाइम ओवर ऑर्डर्स भी आते हैं यहाँ पे, वो ऑर्डर्स भी बनाने होते हैं, साथ में आपको बैक एंड का सारा काम भी फिनिश करना होता है अपना 11 बजे तक। कुकी सेट हो चुकी हैं, अभी हम इसको लगाएंगे बेकिंग के लिए। 1 by 1 मैं रखूँगी बेक करने के लिए। ये कुछ 10 मिनट का टाइम होता है कुकीज़ बेक होने का, 10 मिनट्स के बाद हम निकालेंगे इन कुकीज़ को। मैं दिखाऊँगी आपको बेक होने के बाद ये हुआ टाइम स्टार्ट एंड आफ्टर बेकिंग। ये काफ़ी गर्म होती हैं, ग्लव्स से निकालना पड़ता है, बस बेक होने के बाद आपको इसकी गर्मी होगी। तो ये आफ्टर बेकिंग कुकीज़ हैं, इनको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम लगाएंगे काउंटर पे। सो कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं, अभी ठंडी हैं, तो अभी इसको काउंटर पे लगाएंगे। फ्रंट काउंटर पे लगानी होती है, और जितनी बची इनको फ्रिज में रख के रख लो बाद में काउंटर पे लगाने के लिए, लेकिन बेक आपको करनी पड़ेगी मॉर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट है सैलेड कटिंग। डिफरेंट काइंड ऑफ सैलेड्स होते हैं, टमाटोज होते हैं, ग्रीन पेपर्स होते हैं, क्यूकम्बर्स, अनियंस, सबको कट करना है टर्न बाय टर्न। फर्स्ट करूँगी मैं टमाटो को कट, सिंपल है, काफ़ी मशीन से कट करना होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ये मशीन से टमाटो कट करके फिर उनको रखना होता है कैम्प्रो में डाल के, कंटेनर को, कंटेनर होते हैं बेसिकली, उसमें आप रख दो, फिर जब यूज़ करने की ज़रूरत होगी फिर हम उनको यूज़ करेंगे। मेन ब्रेड्स और सैलेड का ही काम होता है, बिकॉज मीट्स वगैरह तो बने ही आते हैं ज़्यादातर सब्जी में। कुछ 1-2 चीज़ें होती हैं जिनको आपको बनाना होता है, एक्चुअली बनाना नहीं होता, वो बन ही आती है, जस्ट मिक्स करना होता है 1-2 चीज़ों को सॉस वगैरह के साथ, बाकी सब बना बनाया ही आता है ज़्यादातर सामान। सबसे डिफ़िकल्ट लगता है मुझे अनियंस को कट करना, बिकॉज आँखों में पानी आता है, पर कट तो करने पड़ते ही हैं, क्या कर सकते हैं, अभी जॉब है। बस स्टॉप पे बैठी हूँ, और ये बस स्टॉप के पीछे मेरा सबवे है। ये था मेरा आज का एक दिन। अगर मैं काम के बारे में बताऊँ तो काम इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन इतना ईजी भी नहीं है, बिकॉज मल्टीटास्किंग काम होता है, आपको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे काम करना पड़ता है, और कम्युनिकेशन तो चाहिए इस जॉब के लिए, बाकी हो जाता है प्रैक्टिस के साथ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कर ही लोगे। सो ये था मेरा एक दिन सबवे में। Bye guys, hopefully you like my video. Bye bye.